वेलकम टू अविराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर की एक और रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसे हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल से, जो कि है टर्निप। इसे हिंदी में शलगम भी कहते हैं। इस रेसिपी का नाम दिया गया है शलगम के गिलावटी कबाब। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं 4 टर्निप्स, जो कि है अराउंड 500 ग्राम्स, कुछ कोरिएंडर के लीव्स, एक कटोरी चने की दाल जो कि है 150 ग्राम्स, 1 मीडियम साइज अनियन, 2 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं यहाँ पे। अगर आपके गार्लिक के कलियां छोटी हैं तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। 1 इंच जिंजर, 3 ग्रीन चिलीज, हिमालयन सॉल्ट स्वाद अनुसार, आप चाहे तो व्हाइट सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 बे लीव्स, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 से 1.5 इंच बड़ा सिनेमन स्टिक, 2 बड़े कार्डिमम्स, 6 to 7 लॉन्ग जिसे हम क्लोव्स कहते हैं, 1 टीस्पून होल ब्लैक पेपर। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल से ये सब्जी बनाई है, आप चाहे तो किसी भी ऑयल या घी का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमने अब कुकर चढ़ा लिया है। ये कुकर हम गर्म होने तक थोड़ा सा वेट करते हैं तेल डालने के लिए। तब तक हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने जो टर्निप्स हैं उन्हें बड़ा बड़ा काट लिया है। चने की दाल हमने 2 घंटे पहले भिगो ली थी, जो कि अब फूल के तैयार हो गई है। हमने यहाँ पे अनियन को चॉप कर लिया है, ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक को भी हमने चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पे कोरिएंडर को भी चॉप कर लिया है। जो हमने मसाले अभी आपको दिखाए हैं वो सब हमने एक सिल बट्टे में कूट लिए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पिसा हुआ गर्म मसाला जो कि मार्केट में मिलता है उसका भी यूज कर सकते हैं। हम लोग घर में बना हुआ गर्म मसाला यूज करते हैं, तो इसीलिए हमने इसे घर में तैयार किया है। तो आइए देखते हैं अब हम इसे कैसे बनाना है। अब हम कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है, हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 स्पून। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सारी रेसिपीज बहुत ही कम ऑयल में बन जाती हैं। हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज ज्यादा करते हैं, बट आप चाहें तो आप घर में जो भी ऑयल है उसका यूज कर सकते हैं, आप घी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 बे लीव्स जो कि हमने लिए थे। हम यहाँ पे जिंजर और हमने इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली तीनों डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको बिना गार्लिक और बिना अनियन के भी बना सकते हैं। अब हम इसमें कटे हुए टर्निप डालेंगे। गरम मसाला और टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि जो टर्निप्स हैं वो अच्छे से सारे मसालों में मिक्स हो जाएं। अब हम जो हमने चने की दाल 2 घंटे से सोक करके रखी हुई थी वो डालेंगे। अब हम इसमें हिमालयन सॉल्ट ऐड करेंगे। आप वाइट सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था। हमने इसमें 1.5 स्पून डाला है। आप स्वाद के अनुसार जैसा कि आप पसंद करते हैं कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम इसमें इस कटोरी से 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और 1/2 कटोरी और पानी डालेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1.5 कटोरी पानी, जितनी हमने दाल ली थी बिना सोक की हुई उससे बस 1/2 कटोरी ज्यादा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे कम से कम मीडियम आंच पे कम से कम 10 से 15 मिनट पकने देंगे। हमने स्लो मीडियम आंच पर चने की दाल पकने तक हमने 4 सीटी लगा ली हैं। आइए हम चेक करते हैं कि दाल पक गई है। और ये देखिए, जैसा कि दिखने में तो ये बहुत ही यमी लग रही है, अच्छे से सारे मसाले घुल चुके हैं। टर्निप और चने की दाल आपस में बिल्कुल मैच हो चुकी है। हमने इसे छू के देख लिया है कि चने की दाल अच्छे से पक गई है कि नहीं।
ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, हम बनाना शुरू करेंगे हमारे कबाब। अभी ठंडा हो चुका है, अब हम इसे पीस लेंगे। पहले हमारी ग्रैंड मदर जो थी वो सिल और बट्टे का यूज़ करती थी, पर हम यहाँ हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो मिक्सर का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से अब पिस चुका है और आपस में सारे इंग्रेडिएंट जो भी हमने डाले थे, टर्निप, दाल, सब आपस में मिल चुके हैं मसाले के साथ। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने कबाब। पैन हमने यहाँ पे एक लिया है, उसे अच्छे से गरम कर लिया है। उस पर हम थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे ताकि हमारे जो कबाब हैं वो चिपके नहीं पैन में। हमने यहाँ पे जो चॉप्ड करके अनियन लिया था उसे हम इसमें मिला देंगे कबाब के मिक्सर में, और साथ में हम ग्रीन चॉप्ड कोरिएंडर भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे गलबटी कबाब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ पेस्ट बन के आया है। ये मुंह में जाते ही एकदम घुल जाता है, इसीलिए इसे किसी भी एज के लोग अच्छे से खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। इसे हम एक स्पून की सहायता से पैन में डाल रहे हैं। अब हम जो गैस है वो मीडियम कर देंगे। ये हमारा पैन काफी बड़ा है तो हम एक साथ 3 से 4 कबाब बना सकते हैं। अगर छोटा पैन है तो हम उसमें एक बार में 2 ही कबाब बनाते हैं। हमने एक पलट के देखा है कबाब, देखिए ये अच्छे से सिक चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम तीनों कबाब को इसी तरह दूसरी तरफ पलट के भी सेक लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों कबाब अब हमने पलट लिए हैं और चारों के बहुत ही अच्छा रंग आया है। कबाब हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बस हम कुछ ऑलमोस्ट 1 मिनट और इसे पकाएंगे। ये कबाब बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसे पराठे के साथ भी खाया जा सकता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमने यहाँ पे एवोकाडो की चटनी बनाई है। आप चाहें तो कोरिएंडर की, अनियन की, गार्लिक की, कोई भी चटनी बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जो कि हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर की है। थैंक यू।